हेलो एवरीवन दिस इज़ दीपिका वेलकम बैक एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हो गए आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद द एग्जाम्पल्स फ्रॉम सार्क एंड आसियान ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम से मैंने उठाया है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में से जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने वहीं से लिया है तो इसी क्वेश्चन को आज हम एड्रेस करेंगे गेटिंग इट तो सेम डिस्क्रिप्शन हमारा जो डिस्कशन का रहेगा फ्रेमवर्क वही बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे देन हम इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इम्पोर्टेंस क्या होती है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की उसको देखेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स हम लेंगे जो सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे और लास्ट में अपने डिस्कशन को हम कंक्लूड करेंगे तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना इसका एक तरीके से आंसर प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूँगी क्योंकि हमारे सेमेस्टर में में रिपीट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओके okay, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं सो so गाइज अगर पहली बार आप मेरे चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एंड अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़ थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट एंड शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन तो सबसे पहले रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मेंबरशिप राइट right, जिसकी मेंबरशिप एक पर्टिकुलर रीज़न पे बेस्ड होती है राइट right, जैसे कि फॉर एग्जांपल सार्क जो जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया नेपाल भूटान बांग्लादेश श्रीलंका एंड मालदीव ये इसके मेंबर हैं तो जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है इसकी का किस रीज़न पे डिपेंड कर रही है साउथ एशिया इसी तरीके से जो आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी मेंबरशिप डिपेंड कर रही है कहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन पे जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है जिसमें आपके म्यांमार थाईलैंड कम्बोडिया लाओस वियतनाम फ़िलिपइंस मलेशिया ब्रनोईस सिंगापुर इंडोनेशिया गेटिंग इट तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके मेंबर्स एक पर्टिकुलर रीजन पर्टिकुलर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ये जस्ट अपोजिट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है इसकी मेंबरशिप ओपन होती है फॉर ऑल द कंट्रीज द ग्लोब गेटिंग इट तो जैसे कि यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशन के जो मेम्बर्स हैं वो एक ग्लोब है गेटिंग इट तो ये सिंपल सी मीनिंग होती है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की तो हम एक इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं जो आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे जो हम हमेशा करते हैं तो आपको लिखना है कि जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रमोशन ऑफ द पीस स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के जो 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 टारगेट्स हैं जो गोल हैं वो लिमिटेड रहेंगे एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीज़न तक एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया तक जैसे सार्क का साउथ एशिया एंड आसियान का साउथ ईस्ट एशिया एंड जैसे यूरोपियन यूनियन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो यूरोपियन जो यूनियन के कंट्रीज़ हैं वो एक पर्टिकुलर लोकेशन की बेस्ड हो गई इट तो सार्क एंड आसियान एंड ई यू दीज आर द जो यूरोपियन यूनियन है दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन ओके सो जो सार्क एंड आसियान है दोनों ने रीजनल कोऑपरेशन प्रमोट करने में बहुत सारी हेल्प की है और बहुत सारी मैकेनिज़म्स डेवलप की हैं जैसे रेगुलर मीटिंग्स समिट ऑफ द लीडर्स सेक्टोरल एंड टिक जो टेक्निकल कमेटीज़ जॉइंट प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स तो ये कई सारी मेकेनिज़म्स हैं जिनके थ्रू कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाता है गेटिंग इट तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करते हैं तो ये स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन से बिलोंग करते हैं इनका मेन काम होता है रीजनल कोऑपरेशन का को प्रमोट करना और रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए वेरियस मैकेनिज़म्स डेवलप की जाती हैं जैसे रेगुलर मीटिंग्स मीटिंग समिट्स ऑफ द लीडर टेक्निकल कमेटीज़ जो बनाई जाती हैं और ये जो जो रीजनल कोऑपरेशन है ना ये कई सारे एरियाज़ में होता है मल्टीपल एरियाज में जैसे ट्रेड पे इन्वेस्टमेंट पे सिक्योरिटी पे कल्चरल इश्यूज पे हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कई सारे इश्यूज पे ये जो कोऑपरेशन होता है ये इनका रहता है घटिंग तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया यहाँ पर कि क्या हमें लिखना है इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं अच्छा जो क्वेश्चन में पूछा गया है स्पेसिफिकली पूछा गया है कि आपको रीजनल कोऑपरेशन जब एक्सप्लेन करना है इम्पॉर्टेंस तो एग्जांपल आपको कहाँ से लेना है सार्क से एंड आसियान से तो वही हम करेंगे तो थोड़ा सार्क के बारे में देख लें यहाँ पर कि जो सार्क है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 1985 में फॉर्म किया जाता है जरा इसका मेन जो उद्देश्य था ऑब्जेक्टिव था वो था इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन अमंग दी कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। तो स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन आ गई आपकी एंड दी एरियाज ऑफ जो कोऑपरेशन है वो मल्टीपल एरियाज़ में रहेंगे जैसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन टूरिज़म Uh, इसके बाद बहुत सारे एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे सो so, ओवरऑल जो सार्क कंट्रीज़ हैं वो आप रीजनल uh, कोऑपरेशन करती हैं टू एड्रेस दी रीजनल चैलेंजेस, जैसे पॉवर्टी टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज थ्रू दी मल्टीलेटरल कोऑपरेशन नेक्स्ट है आसियान आसियान भी एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1967 में बना इसमें टेन कंट्रीज़ हैं मुझे बताइए कि सार्क में कितनी कंट्रीज़ हैं नंबर ऑफ कंट्रीज़ बताइए कि सार्क में कितनी है मुझे कमेंट करिएगा ओके ओके सो आसियान में टेन कंट्रीज़ हैं और ये रिप्रेजेंट करता है एक स्पेसिफ़िक जियोग्राफिक रीजन को दैट इज़ साउथ ईस्ट एशिया और इकनॉमिक ये मेन गोल है प्रमोट करना इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी दीज़ आर द मेजर गोल अब इनके तहत बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना जैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन में आपका ट्रेड आ जाएगा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा राइट ये सारी चीज़ें आ जाएंगी रीजनल स्टेबिलिटी में आपके आपका नेशनल सिक्योरिटी का कन्सेप्ट आ जाएगा मेरी सिक्योरिटी का कन्सेप्ट आ जाएगा राइट नेशनल सिक्योरिटी का कन्सेप्ट आ जाएगा तो बहुत सारे आ जाएंगे और इसके लिए इस कोऑपरेशन के लिए बहुत सारी मैकेनिज़म्स डेवलप की जाएंगी बहुत सारे प्लेटफॉर्म क्रिएट किए जाएंगे जहाँ पर ये कंट्रीज़ आपस पे डायलॉग इस्टेब्लिश कर सकें कम्युनिकेट कर सकें गेटिंग इट तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपका यहाँ पर अब हम आते हैं मेन थीम ऑफ द क्वेश्चन दैट इज़ दी रोल ऑफ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ब्र right? की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं तो पहला है दे फैसिलिटेट कोऑपरेशन। भाई रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका रोल होता है फैसिलिटेट कोऑपरेशन। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो रीजनल कंट्रीज होती हैं उनके बीच में कोऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं ये कोऑपरेशन हो सकता है वेरियस फील्ड पे जो कॉमन कंसर्न के इश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड हो सकते हैं जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इक्विटेबल ट्रेड को लेकर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर या इन्वॉर्मेंटल प्रोटेक्शन को लेकर रेट तो ये कोऑपरेशन मल्टीपल डायमेंशन में है अब एग्जाम्पल भी हमने देना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है तो सार्क को आप देख सकते हो जैसे सार्क कई सारे एरियाज़ पे कोऑपरेट करती हैं जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्षेत्र में करती हैं इसके बाद एनर्जी इन्वॉर्मेंट टूरिज़म इकोनॉमिक एंड ट्रेड फाइनेंस में राइट एजुकेशन एंड कल्चरल उस पर तो एजुकेशन में जैसे सार्क यूनिवर्सिटी बना रखी है इन लोगों ने राइट तो इस तरीके से आप देखोगे कि कई सारे एरियाज हैं जहाँ पर ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं अब इस कोऑपरेशन में क्या होगा अपने रिसोर्सेज को शेयर करेंगे शेयरिंग ऑफ द रिसोर्स हो जाएगा शेयरिंग ऑफ द स्किल्स हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के पास कोई बेटर स्किल है वो शेयर कर सकते हैं नेपाल के साथ भूटान के साथ या फॉर एग्ज़ाम्पल भूटान के साथ कोई बेटर स्किल है गवर्नेंस सिस्टम की तो वो शेयर करेंगे तो शेयरिंग ऑफ द एक्सपर्टीज़ स्किल्स एंड रिसोर्स जिसके थ्रू जो एरियाज़ पे कोऑपरेट कर रहे हैं वो बेटर बेटर रिजल्ट वहाँ पर जनरेट कर सकें जो म्यूचुअल बेनिफिट करेगा राइट right? हर एक कंट्री को आपस में बेनिफिट करेगा इसी तरीके से अगर आसियान का अगर एग्ज़ाम्पल लें आप तो आसियान की जो कम्युनिटी सेंस है ना वो बहुत ही ग्रेट बहुत ही डीप है डिस्पाइट इट्स डाइवर्सिटी और आसियान ने एक आसियान चार्टर अडॉप्ट किया है 2007 में जिसमें आसियान कम्युनिटी को इन्होंने जो ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया कम्युनिटीज है उसका ग्रेटर सेंस वहाँ पर इनको रिफ्लेक्ट होता है तो हमने कोऑपरेशन इम्पोर्टेंस देख ली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की और हमने सार्क और आसियान से एग्जाम्पल भी दे दिए कि ये कैसे कोऑपरेशन कर रहे हैं यही हमारे एग्जाम में पूछा गया है कई बार होते हैं जो स्टूडेंट हैं वो इम्पोर्टेंस तो लिख देंगे लेकिन जब बात आएगी एग्जाम्पल्स देने की तो वो नहीं दे पाएंगे तो उस डायमेंशन से उस पर्सपेक्टिव से ये आज आज का जो लेक्चर है या डिस्कशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की ये प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जैसे फॉर एग्जांपल हम साउथ एशिया के एग्जांपल हैं तो साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमीज़ जब इंटरकनेक्टेड हो जाती है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे होगी जब ये सभी एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे व्यापार करेंगे राइट right? सप्लाई चेन इस्टेब्लिश करेंगे रॉ मटेरियल परचेज करेंगे सेल करेंगे तो इस तरीके से क्या हो गया जब ट्रेड इस्टेब्लिश हुआ तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया अब इसमें लेबर की सप्लाई भी होगी राइट right? इसके बाद इन्वेस्टमेंट की भी सप्लाई होगी फॉर एग्जांपल, इंडिया ने इन्वेस्ट किया मालदीव पे या लेबर की सप्लाई हो गया तो फॉर एग्जांपल बांग्लादेश या नेपाल से इंडिया में लोग काम के लिए आते हैं खोजने आते हैं तो इस तरीके से लेबर सप्लाई इन्वेस्टमेंट सप्लाई इसके बाद से ट्रेड चल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है एक दूसरे कंट्रीज़ में तो इस तरीके से इकोनॉमीज़ इंटीग्रेट हो गई इंटरकनेक्टेड हो गई तो ये होता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये हेल्प करते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में क्योंकि भाई जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें जो लीडर्स होते हैं जब उनकी सम्मििट्स होती है मीटिंग्स होती है तो वो डिसीज़न लेते हैं कि भाई हम किन एरियाज़ में कोऑपरेट करेंगे फॉर एग्जांपल जैसे कहेंगे कि हम ट्रेड को बढ़ाएंगे आपस में सार्क कंट्रीज़ मिली और उन्होंने डिसीज़न लिया कि भाई हम ट्रेड को अब और भी बढ़ाएंगे इसको और ग्रेटर लेवल तक ले जाएंगे उसके लिए क्या करेंगे टैरिफ कम करेंगे जो चार्जेज हैं जो टैक्सेज हैं वो कम लगाएंगे राइट बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर बेटर कनेक्टिविटी डेवलप करेंगे इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे तो ये होता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एग्जाम्पल लेते हैं सार्क से तो जो सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक मेकनिज़म डेवलप की दैट इज सापटा साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो 1995 से इफेक्ट में आया फिर सार्क डेवलपमेंट फंड बनाया इन्होंने सा, आ, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाई कि अगर इकोनॉमिक मैटर में कोई डिस्प्यूट हो जाता है कोई लीगल डिस्प्यूट होता है ऑनरशिप डिस्प्यूट होता है तो उसको यहाँ पर रिजॉल्व कर सकें उस कंफ्लिक्ट को इसी तरीके से आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इकोनॉमिक कोऑपरेशन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में इसके बहुत मतलब बहुत ही सक्सेसफुल रहा है ये आसियान एक कंट्री ईयू के बाद अगर कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रहा है तो वो आसियान को ही माना जाता है क्योंकि इकोनॉमिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनका जीडीपी ग्रो किया आप सिंगापुर देख लीजिए राइट तो आसियान इकोनॉमिक कम्यूनिटी काउंसिल इन्होंने बनाई है जिसमें ये लोग इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं देन ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इनके कुछ मैकेनिज़म्स हैं जहाँ पर ये कोऑपरेशन देते हैं तो ये एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के क्षेत्र में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की जो है मेंटेनिंग दी पीस एंड सिक्योरिटी इन दैट रीजन सो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के जो 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 कन्फ्लिक्ट है उनको रिजोल्व करने में और जब स्पेसिफिक एरिया के या कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएंगे तो पीस तो ऑटोमेटिक इस्टेब्लिश हो जाएगी जब पीस रहेगी तो जो नेशनल इंटरेस्ट है वो भी सिक्योर रहेंगे जो नेशनल सिक्योरिटी है उसका भी चैलेंज खत्म हो जाएगा और ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू डायलॉग एंड मेडिएशन या यू कैन से दैट द कम्युनिकेशन अमंग द लीडर्स या अमंग द कंट्रीज होता है इट और इससे क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है अमंग द लीडर्स एंड पर्टिकुलर कंट्रीज जिसकी वजह से क्या होता है पीस एंड सिक्योरिटी डेवलप होती है भाई जब हमारे लीडर्स किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिल रहे हैं तो उनके बीच हेल्दी रिलेशन रहेंगे तो जब लीडर्स के बीच हैं तो जो कंट्रीज हैं उनके भी जो बायलेटरल रिलेशन है मल्टीलेटरल रिलेशन है वो भी हेल्दी रहेंगे इट तो कंट्री अब जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बायलेटरल रिलेशन टेंशन वाले रहते हैं कंसर्न का इशू है तो सार्क लोग बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि सार्क को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाना चाहिए जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन उसको नॉर्मलाइज़ किया जा सके और जैसे सार्क है ये एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करने में दो कि अभी प्रेजेंट स्टेटस सार्क का उतना अच्छा नहीं है कोई मीटिंग नहीं हो रही है कोई सबमिट नहीं हो रही है लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन हो या अदर नेबर कंट्रीज़ के रिलेशन बाइोलिट्रल रिलेशन को नॉर्मलाइज करने में बहुत बड़ा रोल रहा है सार्क का इसके बाद से कैपेसिटी बिल्डिंग रिसोर्स शेयरिंग जैसे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट सार्क ने एक मैकेनिज्म डेवलप की है आपको याद होगा कि जो न, न, आ, जो न, आ, नेपाल में अर्थ क्विक आया था तो ये ज, डिजास्टर रिस्क था और इंडिया ने बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पर भेजा था तो ये कोऑपरेशन का ही एक एग्जाम्पल है ये दे सकते हो इसी तरीके से आप आसियान देख लीजिए आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है तो रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे इसके लिए इन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं कुछ नॉर्म्स डेवलप किए हैं ताकि एक न्यूट्रल इन्वॉमेंट डेवलप कर सके टू एड्रेस दी शेयर्ड चैलेंजेस फॉर एग्जांपल इन जो साउथ चाइना सी का इशू है साउथ चाइना में टेरिटोरियल क्लेम को लेकर इनके बीच में झगड़ा रहता है राइट तो उस मुद्दे को पीसफुली रिजॉल्व किया जा सके इसके लिए मैकेनिज़म्स डेवलप किए जाएंगे तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है उस क्षेत्र की उस रीजन की पीस के लिए उस क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए इट तो ये आप मैंशन कर सकते हो हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए नेक्स्ट है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है या इम्पोर्टेंट होती इम्पोर्टेंस होती है इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स को एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डेमोक्रेटिक वैल्यूज कैसे कि भाई हाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो रहेगी उसमें सबका इक्वल से होगा जितनी भी कंट्रीज उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी राइट right. इसके बाद से सिविल सोसाइटीज़ को सपोर्ट करते हैं जो एन होते हैं ह्यूमन राइट right के इशू के को उठाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्यूजीज का जो क्राइसिस आ जाता है तो उसको आपस में मिलकर सॉल्व करते हैं जैसे इंडिया और बांग्लादेश आप देख लो तो ये सार्क के थ्रू इसे हेल्प करेंगे तो सार्क यूनिवर्सिटी बना रखी है जैसे ट्रैफिकिंग एंड जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया या ड्रग ट्रैफिकिंग का जो इशू रहता है तो उसको सार्क कंट्रीज डील करती है जैसे बांग्लादेश और नेपाल इनके साथ जो हमारे जो बॉर्डर से ड्रग ट्रैफिकिंग एंड एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो इशू है बहुत बड़ा उसको रिजॉल्व करने में सार्क बहुत बड़ी भूमिका निभाता है तो एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव पे अगर देखें तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है आप एग्जांपल दे सकते हो सार्क का टू प्रिवेंट दी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग इसके बाद से माइग्रेंट वर्कर्स के जो राइट्स हैं ये भी तो ह्यूमन राइट्स पे आएगा भाई बहुत सारे जो लेबर्स हैं बहुत सारे वर्कर्स हैं जो नेपाल और बांग्लादेश से इंडिया में काम करने आते हैं तो इन माइग्रेंट्स के वर्कर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए वो भी ह्यूमन राइट right के अंदर अंदर में आएगा और सार्क कंट्रीज़ ने इसको एक्नॉलेज भी किया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आती है ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं राइट right? अब ये कैसे जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज या टेररिज्म का कोई मुद्दा है भाई ये तो ग्लोबल चैलेंजेस हो गया तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करते हैं ताकि उस क्षेत्र में ये चीज़ें ना हो पाएं जैसे सार्क के माध्यम से हम इंश्योर करेंगे कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है आ, आ, पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से उसको हम रोक सकें तो जो कंट्रीज़ के लीडर्स हैं वो आपस में मिलेंगे और बोलेंगे कि भैया नहीं ये नहीं होना चाहिए हम अपने अपने देश में इसे रोकने की कोशिश करेंगे इसी तरीके से जो एक ग्लोबल चैलेंजेस है जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना ग्लोबल लेवल पे तो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इसमें जैसे सार्क और आसियान कंट्रीज़ दोनों मिलकर इसको प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे अगर रिफॉर्म करना है जैसे मान लीजिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल पे रिफ़ॉर्म करने हैं तो यहाँ पर ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव वॉइस रख सकते हैं सार्क के थ्रू आसियान के थ्रू गेटिंग इट टाइम सिक्योरिटी हो गया या फॉर एग्जांपल जो पीस स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पैरिटी की बात आती है इंडो पैसिफिक एरिया में आजकल इंडो पैसिफिक एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया बना हुआ है जियोपॉलिटिकल इश्यूज के लिए तो यहाँ पर पीस स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पैरिटी सभी की इंश्योर किया जा सके रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर हम बना सकें राइट कि भाई किसी भाई पर्टिकुलर कंट्री की हेज़े मनी ना हो वर्ल्ड ऑर्डर पे या जो जो वर्ल्ड के जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ना उन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि डब्ल्यू एच ओ है या डब्ल्यू टी ओ हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये सभी सभी कंट्रीज़ के लिए काम करें ना कि कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ के फेवर में काम करें तो ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूज रोल हो सकता है तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो राइट right? इसके बाद आई होप कि जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका इम्पॉर्टेंस आपको पता चल गया होगा यहाँ पर और साथ ही साथ सार्क के एज वेल एज आसियान के आपको इनफ एग्ज़ाम्पल्स मिल गए होंगे जो आप अपने एग्जाम में मैंशन कर सकते हैं तो अगर अपने डिस्कशन को हम कंक्लूड करें तो आप कह सकते हो कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्रमोटिंग द पीस स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज राइट और ये बहुत सारे रीज़न में होता है पीस के ह्यूमन राइट्स के बारे में या ग्लोबल चैलेंजेस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हमने देख ही लिया गेटिंग इट तो आई होप कि आज का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा गाइस कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर लेना मुझे आई विल रिप्लाई दैट और इनफ कंटेंट भी मिल गया होगा कि जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था अगर फिर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर लिख पाओगे इसमें क्या करना है कि जो रिसेंट एग्जाम्पल्स रहे हों जो चर्चा में रहे हों करेंट में जैसे सार्क और आसियान के उनको और इंक्लूड कर लेना आप इस पर तो अपडेट कर लेना इसको फॉर एग्जाम्पल ओके So thanks for watching guys once again i would like to request you please like share and subscribe my channel and thanks for watching see you in the next video bye bye take care